हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जैसे कि आज का दिन है सैटरडे एंड अभी टाइम हो रहा है 11:30 एंड मैं यहाँ पे किचन में हूँ एंड मैं जा रही हूँ अभी लंच बनाने के लिए। तो जैसे कि आप सबको पता है अभी ब्लॉग में सिर्फ मैंगो रेसिपी चल रहा है। तो आज लंच पे क्या बनाएंगे? लंच पे तो वही राइस, दाल, करी वगैरह ये हो गया। तो चलिए आज हम एक राइस की एक मैंगो वाली रेसिपी बनाते हैं जो कि मेन मेन्यू में आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि राइस को ही मैंगो में मतलब बनाते हैं। तो चलिए एक मीठी भात जो होता है तो उसे राइस को थोड़ा सा एक मीठा सा फ्लेवर देके मैंगो प्यूरी देके तो बनाते हैं उसे। तो चलिए देख लेते हैं रेसिपी कैसा है। तो यहाँ पे मैंने सारा कुछ अरेंज कर लिया है। जैसे कि यहाँ पे चावल को मैंने जस्ट अभी भिगोया है तो 10-15 मिनट ये थोड़ा बॉईल हो मतलब पानी में सोख कर जाएगा। फिर उसके बाद इसे पहले राइस बना लेंगे, फिर उसके जो नेक्स्ट प्रोसेस है फिर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने लॉन्ग ग्रेन राइस को थोड़ा सा बस 10 मिनट के लिए सोक कर लिया है पानी में ताकि राइस जब बने थोड़ा अच्छे से खिलखिला सा बने। तो इसके बाद यहाँ पे जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे कि आलमंड हो गया, काजू हो गया, पिस्ता हो गया और जैसे कि मैंगो तो हम यूज़ करेंगे ही करेंगे। और उसके बाद ये ड्राई फ्रूट्स मतलब टूटी फ्रूटी हो गया तो ये आपकी चॉइस है। आप अगर कुछ और कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो चलिए पहले राइस बना लेते हैं। तो चलिए अभी आज का रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले लिया है और यहाँ पे मैं थोड़ा सा घी दे रही हूँ पहले, थोड़ा घी थोड़ा गर्म हो जाए। तो मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स दे दूँगी जो कि आलमंड और काजू मैं यहाँ पे दे रही हूँ। इसे हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अभी ये फ्राई हो गया है तो यहाँ पे मैं इसे निकाल देती हूँ एक बाउल में। तो यहाँ पे मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा फ्राई करके निकाल दिया है। यहाँ पे मैं एक स्ट्रेनर में जो राइस को मैंने सोक किया था उसे मैंने छान के रख दिया है यहाँ पे। तो ये राइस को मैं यहाँ पे दे रही हूँ। इसको हल्का सा फ्राई कर लेते हैं यहाँ पे घी में। गैस की फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पे घी में अच्छे से मतलब फ्राई हो गया है राइस। यहाँ पे मैं पानी ऐड कर देती हूँ। थोड़ा सा पानी देते हैं और मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ क्योंकि मीठा बन रहा है तो नमक ऐड करेंगे तो मीठा थोड़ा एनहांस हो जाएगा। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा केसर इस पे ऐड कर देती हूँ यहीं पे ही। तो यहाँ पे मैं लीड को लगा देती हूँ और इसे कुक होने के लिए करीब 5 मिनट पहले छोड़ देती हूँ, फिर देखते हैं। तो राइस जब तक हो जाए उस बीच में मैं यहाँ पे मैंगो को ले के उसका प्यूरी बना लेती हूँ।
तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं राइस का क्या हुआ है। तो सर राइस यहाँ पे ऑलमोस्ट बन के हो गया है। तो यहाँ पे मैं गैस के फ्लेम को थोड़ा हाई कर देती हूँ ताकि जो पानी है वो कम हो जाए। और यहाँ पे मैंने मैंगो को निकाल के रख दिया है और उसमें मैं बस दो इलायची ऐड करके ग्राइंड कर देती हूँ। और यहाँ पे राइस एकदम परफेक्टली हो गया है, पानी भी कम हो गया है। देखिए राइस कितने अच्छे से हुआ है और थोड़ा सा जो पानी है बस और 5 मिनट में कुक होके वो भी हो जाएगा। और इस स्टेज में मैं यहाँ पे मैंगो जो प्यूरी बनाए हुए थे उसमें इलायची भी ऐड कर दिए थे, तो इसे यहीं पे मैं ऐड कर रही हूँ। एंड थोड़ा सा शुगर दे रही हूँ, चाहे आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इसे थोड़ा सा छोड़ देते हैं, थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। अगर आप इसे इसी स्टेज में रखना चाहते हैं जैसे कि हम कर्ड राइस बनाते हैं हल्का सा मतलब ग्रेवी जैसा रहता है वैसे कर सकते हैं, नहीं तो इसे थोड़ा सा ड्राई भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा टूटी फ्रूटी इसमें ऐड कर रही हूँ। और ये जो ड्राई जो नट्स को मैंने यहाँ पे फ्राई करके रखा हुआ था इसे भी दे देती हूँ। इन सबको अच्छे से मिला देती हूँ। तो इसे यहाँ पे कुछ टाइम के लिए लीड लगा देती हूँ और बस 2 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। पे हमारा राइस बन के रेडी हो गया है। हम गैस ऑफ कर लेते हैं। देखिए कितने जल्दी से राइस हो गया है और मैंने यहाँ पे गैस ऑफ कर लिया है। और यहाँ पे थोड़ा सा इसे ठंडा करने के लिए छोड़ते हैं, फिर इसे सर्विंग करते हैं। सो गाइज यहाँ पे राइस बन के रेडी हो गया है, तो मैं यहाँ पे इसे पहले थोड़ा गार्निश कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने राइस को निकाल दिया है और ऊपर से कुछ पिस्ता ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे ये जो मैंगो राइस बना है एकदम से 10 मिनट ही लगा हमें बनाने के लिए, तो सारा कुछ तो प्रिपेयर मतलब सब कुछ था ही, जो पानी में मैंने जस्ट 10 मिनट सोक किया था चावल को। तो अब इमिडिएटली इसे कोई गेस्ट आ जाए या बच्चों के स्कूल के लिए टिफिन बना के देना हो, ऑफिस के लिए लेना है, तो बस 10 मिनट में जितने टाइम में आप करी और कुछ बनाएंगे राइस तब तक हो ही जाएगा। जो प्लेन राइस जितना टाइम लगेगा बस उसी टाइम में आपका ये हो जाएगा। और ये बच्चों को भी आप टिफिन में दे सकते हैं क्योंकि बच्चों को थोड़ा राइस खाना भी अच्छा नहीं लगता है और हमें भी थोड़ा रोज़ रोज़ राइस मतलब और थोड़ा कुछ मतलब लगता है ना कि आज थोड़ा बिरयानी हो जाए, फ्राइड राइस हो जाए, तो आप ज़रूर ये मैंगो राइस भी बनाइए क्योंकि एक तो उसमें मैंगो भी है और मतलब घी वगैरह भी है, तो ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है और इसे टिफिन में भी आप बच्चों को दे सकते हैं लंच टाइम के लिए। इमिडिएटली गेस्ट घर पे आके पहुंच गए हैं, मतलब जैसे कि कुछ भी नहीं है घर पे मतलब राइस या मतलब और कुछ दे के बिरयानी या फ्राइड राइस बनाने के लिए, तो अभी तो मैंगो का ही सीजन चल रहा है तो सबके घर में मैंगो जरूर होगा, तो ये इमिडिएटली आप बना लीजिए और उसके साथ कोई भी आपका जो चॉइस है जो करी वगैरह जो भी है आप बना सकते हैं, तो ये एक वैरायटी हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा ये आपके गेस्ट के लिए। तो एक बार जरूर इसे बना के ट्राई कीजिए
एंड देखिए फिर कैसा आपको लग रहा है, और कमेंट्स में प्लीज आप बताइए आपको ये मैंगो रेसिपी कैसा लगा, मतलब मैंगो का ये जो राइस का रेसिपी। तो आप इसमें चाहे तो कुछ वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं, मैंने इसमें और कुछ नहीं लिया है। तो इसे आप इसमें पनीर भी ऐड कर सकते हैं, हल्का सा पनीर को थोड़ा सा जैसे कि छोटा छोटा करके उसे थोड़ा फ्राई करके इसमें ऐड कर सकते हैं, आप जो भी वेरिएशन इसमें करना है। या आलू वगैरह आपको अगर पसंद है मतलब खाने के लिए, तो आलू को थोड़ा बॉयल करके इसमें मतलब दे भी सकते हैं। तो बस यही सब है, और इसे एकदम लंच टाइम के लिए या लंच बॉक्स के लिए एकदम परफेक्ट मेन्यू है। तो चलिए फिर आप एक बार ट्राई कीजिए। सो गाइज चलिए फिर यहाँ पे हमारा मैंगो राइस बन के रेडी हो गया है। तो मैंने उसे सर्व कर लिया है एंड थोड़ा सा उसे गार्निशिंग कर लिया है पिस्ताचियो देके। तो देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है अभी, देखिए यहाँ पे मैंगो राइस बन के रेडी हो गया है। तो एकदम कितना अच्छा कलर आया है, जैसे कि हम लोग खिचड़ी बनाते हैं हल्दी देके, तो इसमें ना हमने कोई कलर ऐड किया है ना कुछ है, सिर्फ मैंगो का ही जो कलर है इसमें एकदम प्योर येलो कलर आया हुआ है। और इसमें हमने केसर भी दिया हुआ था, तो उसका भी कलर थोड़ा सा इसमें एनहांस हुआ है। तो यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन रिच है, क्योंकि इसमें राइस में मैंगो भी है, बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स है, तो केसर भी इसमें है। तो घी वगैरह डाल के इसे अच्छे से प्रिपेयर किए हैं, तो मतलब थोड़ा सा भी खाएंगे ये बहुत ज़्यादा मतलब टेस्टी तो होगा ही, और पेट भी फुल हो जाएगा। तो बस कुछ इस तरह से देखिए कुछ दिख रहा है। तो प्लीज़ इसे कमेंट्स में बताइए आपको ये मैंगो राइस कैसा लगा, ये जो आज का ये रेसिपी। तो चलिए आज का ये रेसिपी के साथ मैं यहीं पे आज का ब्लॉग एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट और एक मैंगो रेसिपी के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ही राइस बनाया हुआ था, क्योंकि दीपक तो फ्लाइंग पे गए हुए हैं। तो एक बार टेस्ट करते हैं कैसा हुआ है। एकदम यम्मी है। अब जरूर इसे घर पे एक बार प्लीज ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी है। दीपक आएंगे तो मैं डेफिनेटली उनके लिए एक बार ये रेसिपी तो जरूर बनाऊंगी। तो आप एक बार बनाइए और टेस्ट कीजिए। तो चलिए मैं लंच करती हूँ।